जी हाँ, हाल ही में तेरी अदा सिंगल लॉन्च पर पहुंचे हैं एक्टर सुधांशु पांडे। साथ ही उन्होंने यहाँ पर क्या बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। गाने का नाम है तेरी अदा। मेरे लिए ये गाना बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं 10 साल के लंबे गैप के बाद वापस प्रोफेशनल सिंगिंग में आ रहा हूँ, और इस गाने के लिए मैंने बहुत तैयारी करी क्योंकि इतने समय के बाद वापस गाना शुरू करना, और क्योंकि मैं पहले बैंड में था, बैंड ऑफ बॉयज़ में था, और हम लोग के गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, तो उस पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा गाना लेके आना था जो एक लेवल अप ही हो, यू नो, क्योंकि हमने इतना अच्छी क्वालिटी पहले डिलीवर किया था। तो करीब एक साल मुझे लगा इस पूरे प्रोसेस में, गाने को पहले साउंड को प्रोड्यूस करने में, गाने को प्रोड्यूस करने में, ट्यून को फाइनलाइज करने के लिए, उसमें कैसी साउंड डालनी है, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, बहुत हैवी ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन रखना है या हल्का रखना है, तो वो सब डिसाइड करते करते करीब 6-7 महीने उसमें लग गए, और फाइनली गाना रेडी हुआ। फिर वीडियो का जब समय आया तो मुझे लगा कि यार वीडियो भी ऐसा होना चाहिए कि जो अभी रेगुलर आप बेसिस पे अगर टेलीविज़न पे जो वीडियोस वगैरह आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स आते हैं, बट जो गाने आते हैं वो एक बहुत सिमिलर चीज़ें और सिमिलर विजुअल्स दिखाई देते हैं उसमें। तो मेरा मानना यह था कि मैं अगर आता हूँ वीडियो के साथ तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो अभी तक किसी ने नहीं देखा वीडियोस में। तो मैंने मेरे दिमाग में चीज़ थी कि मैं एक स्टोरी कहना चाहता हूँ गाने के थ्रू, और स्टोरी इसलिए कि जब आप स्टोरी कहते हैं किसी भी गाने के थ्रू तो वो लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करती है, बिकॉज आप 5 मिनट में एक कहानी कह जाते हैं, जैसे शॉर्ट फिल्म्स आज की डेट में बहुत ट्रेंड बढ़ा हुआ है, तो ये एक तरह से एक म्यूज़िकल शॉर्ट फिल्म बन जाती है मेरे लिए। तो मुझे मेरे दिमाग में ये था कि यार अगर मुझे ये करना है तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा टेक्नीशियन चाहिए होगा जो मेरे इस सपने को या इस विजुअल को उसी लेवल पे एग्जीक्यूट कर सके या उससे ऊपर लेके जा सके। तो वहीं पे एंट्री हुई मिस्टर मेहुल गडानी की, जो मेरे पुराने मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और बहुत ही जीनियस टेक्नीशियन भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, डांस कोरियोग्राफर रह चुके हैं, डांस डायरेक्टर रह चुके हैं, और अब ये फुल फ्लेज्ड फिल्म डायरेक्टर भी बन चुके हैं। तो मैंने इनसे अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाया और इनको बोला कि भाई ये जो गाना है ये आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि और किसी के बारे में मैं सोच नहीं सकता हूँ। तो वहाँ से फिर मेहुल और हमने साथ में बैठ के इस पे काम करना शुरू किया, एक कहानी डिज़ाइन करी, और लोकेशन हम लोगों ने ज़ीरो इन करी, और वो लोकेशन और गाना और हमारी कहानी सब कुछ जो है वो इतना ब्यूटीफुली फॉल इन प्लेस हो गया कि वहाँ पे मुझे लगा कि शायद ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि यू नो वट एवर वी थॉट, वट एवर वी इमेजिन, वी हैव बीन एबल टू एग्जीक्यूट इट, एंड ऑब्वियसली विद अ टेक्नीशियन हु इज़ हेल्पिंग एवरीथिंग फॉर यू व्हेन ही इज़ ऑफ दिस लेवल दैट मेहुल इज़ एट, देन यू डोंट नीड टू वरी मच। और मेहुल ने अपनी उसमें जो है पूरी जान लगाई और मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे लेके गए वीडियो को, और आपने शायद देखा ही होगा कि वीडियो में हम लोगों ने बहुत बहुत स्टाइलिशली सारे शॉट्स डिज़ाइन किए हैं, इन्होंने डिज़ाइन किए हैं शॉट्स, जिस तरह से शूट किया, जिस तरह की एंगल्स हम लोगों ने यूज़ करें वो बहुत रेगुलर वाले नहीं है कि फुल वाइड और डांसिंग, वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। हमने एंगल्स भी इस तरह से यूज़ किए हैं कि वो हमारी स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से नरेट कर पाए। हाँ, तो वो स्टोरी को नरेट करने के लिए जिस तरह से शॉट्स लेने चाहिए थे, जिस तरह के कैमरा मूवमेंट्स करने थे हम लोगों को, वो इन्होंने एग्जीक्यूट किया और बहुत ही ब्यूटीफुली वो वीडियो जो है हमारा बन के निकल गया। वीडियो लुक्स अमेजिंग, सो हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ यू डूइंग द वीडियो? वेल, जैसा मैंने पहले कहा कि जब आपके साथ ऐसे लोग हों जिनकी सोच और विचार आपसे मिलते जुलते हों, जिनकी क्रिएटिविटी आपसे मिलती जुलती हो, ऐसे लोगों के साथ जब आप अपना हाथ मिलाते हैं और काम साथ में करते हैं तो वो एक्सपीरियंस बहुत बहुत
अच्छा हो गया, बहुत हाइटन हो जाता है उसमें, जो 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 फीलिंग होती है वो बहुत हाइटन हो जाती है। तो वैसे ही हुआ हमारे साथ, मेहुल और इनकी जो टीम है, इनके साथ भी जो जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन हैं। हमारे जो DOP हैं वो भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनका नाम है राजन सिंह, बहुत उन्होंने काम किया हुआ है टेलीविज़न पे और वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं। तो वो भी इतने ज़्यादा पैशनेट DOP हैं कि उन्होंने ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो हम लोग शायद नॉर्मली नॉर्मल सिनेरियो में नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमारी जो पूरी टीम थी वो इतनी इतना उन्होंने ऑनेस्टली, इतना ब्यूटिफुली और इतनी मेहनत और लगन से मेरे इस वीडियो को बनाने में जो है अपनी जान उन्होंने उसमें डाल दी कि उसी का रिजल्ट है जो आज हम लोग वीडियो देख रहे हैं। आप गाने की स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो गाने की स्टोरी जो है वो एक्चुअली अभी तक तो, अब तो खैर वीडियो आउट हो गया तो मैं अब बता सकता हूँ। पहले मैंने उसको सरप्राइज रखा हुआ था क्योंकि गाने की गाना जिस तरह का है बहुत बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक एक उसमें फील है, बहुत इट्स अ वेरी फील गुड सॉन्ग। बट हमने जब सोचा था कि यार इसमें स्टोरी जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए जो एकदम आदमी इमेजिन ना कर सके, क्योंकि नॉर्मली इसको मैं कहीं पे भी बीच पे जाके शूट कर सकता था, रोड पे ड्राइविंग करते हुए शूट कर सकता था लड़की के गले में हाथ डाल के, बट ऐसा हमने कुछ किया नहीं। हमने उसमें एक ऐसी स्टोरी दिखा दी जो लोगों को बहुत सरप्राइज कर रही है, ऑलरेडी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस मुझे आए हैं आज हमारा गाना रिलीज़ हुआ है। तो सबको बहुत शौक लगा कि अरे यार ये क्या कर दिया आपने, लड़की को मार दिया एंड में। तो वो रिएक्शन इज़ एक्चुअली वेरी गुड बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी वांटेड पीपल टू सी द वीडियो, अब्सॉर्ब द स्टोरी एंड रिएक्ट टू इट एक्चुअली। तो वही हमारा जो पर्पस था और वो आज हमारा पर्पस वो फुलफिल हो रहा बहुत अच्छी तरह से, और लोग शायद गाने से इसीलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसमें एक स्टोरी कही है, और वो स्टोरी भी थोड़ी सी कुछ इस तरह की है जिसमें एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये सोशल ट्रूथ है हर जगह का, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा ये एक ऐसा लाइफ का वो है एक्सपीरियंस जो कहीं ना कहीं हर आदमी ने किया हुआ है। रियलिटी है वो, रियलिटी लाइफ की, ज़िंदगी की रियलिटी जो है हमारी, सच्चाई से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि पैसा किसी का रिश्तेदार नहीं होता है और प्यार कभी वफादार नहीं होता। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो प्यार में जिन्होंने अपना दिल तुड़वाया है या प्यार में चोट खाई है वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से, और शायद इसी वजह से उनको वो गाना बहुत अच्छा भी लगे। गाने में आपने ये स्टोरी करते वक्त आपकी कोई ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? मेरा एक मोमेंट है जी, एक मोमेंट था जो हमने वीडियो पे कैप्चर भी किया था इनफैक्ट, और वो मोमेंट मेरे पास है, रखा हुआ है। मेकिंग के टाइम पे हम लोगों ने वो सब फुटेजेस कलेक्ट किया था। तो क्या हुआ था कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव भगवान की आराधना करता हूँ और पूरी तरह से उनमें विलीन रहता हूँ मैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में रहती है क्योंकि शिव ही सत्य है, यू नो, और सत्य ही शिव है, और जो है वो भी शिव है, जो नहीं है वो भी शिव है। तो मेरा ये मानना कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कुछ करता हूँ नहीं करता हूँ, जो होता है मेरे साथ या जो नहीं होता, हर चीज़ के पीछे उनका हाथ रहता है। तो जब हम लोग वीडियो शूट करने के लिए लोकेशन पर पहुँचे थे और मैं पूरी तरह से रेडी होके, पहला शॉट हम लोग का होने वाला था, उसी शॉट के टाइम पे सडनली एक जो है सांप वहाँ पे आ गया, और उस वो हम लोग सब शॉट वॉट छोड़ के पहले उस सांप को पहले बड़ी मुश्किल, मैंने ही फाइनली उसको पकड़ा था और उसको बड़ी सेफली उसको उठा के जंगल में हम लोग छोड़ के आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये भी कुछ ऐसा मुझे वरदान है कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह उनका एक कोई आशीर्वाद कहीं ना कहीं से आ जाता है, और तो ये एक ऐसी मेमोरी थी जो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और सर, आप अपने लोकेशंस के बारे में, अपने कौन से लोकेशंस का जी, ये सारे इंडिया में ही थे तो बहुत चूजी लोकेशंस थे, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? अभी तो बता सकते हैं। हाँ, आप तो बता सकते हैं क्योंकि हमने बहुत लोगों को पहले ये बोला कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि यार ये आपने शूट कहाँ पे किया है, तो मैंने सबको ऐसी ऑफ हैंड बोल दिया, मैंने कहा केप टाउन में शूट किया है। तो सब बोले अरे हाँ यार, तभी इतना बहुत अच्छा लग रहा है यार, वेरी गुड लोकेशन। तो
फिर मुझे, क्योंकि मैं झूठ बोल नहीं सकता हूँ तो मेरे चेहरे पे दिखाई दे जाता, तो मुझे करीब 30 सेकंड्स के अंदर ही, मुझे 30 सेकंड के अंदर ही सच उगलना पड़ा और बोलना पड़ा कि नहीं नहीं यार, ये मोहाली में शूट किया हमने और ये जो हाईवे हमने शूट किया है वो इट्स ऑन द वे टू कसौली एक्चुअली, तो ऑफ कसौली हाईवे पे हम लोगों ने ये लोकेशन चूज़ करी थी. बट पंजाब इज़ ब्यूटिफुल, पंजाब इज़ अ ब्यूटिफुल स्टेट, और जितना आप इंटीरियर्स में जाते हैं, खेत खलिहानों में जाते हैं, आपको बड़ी खूबसूरत फील्ड्स देखने को मिलती हैं. और जैसा कि आपने शॉट देखा होगा उसमें, ड्रोन के जो हमने शॉट्स लिए हैं, जो बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल, उसमें आपको फील्ड दिखाई देगा, ग्रीन भी दिखाई देगा, ब्राउन येलोइश भी दिखाई देगा आपको, और उसके बीच में एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार जा रही है, तो वो इट जस्ट मेक्स एवरीथिंग लुक वेरी ब्यूटीफुल, यू नो. सो वी हैव ट्राइड टू मेक द मोस्ट ऑफ द लोकेशंस दैट वी वेंट टू. और इन्होंने, मेहुल जी ने एक वहाँ पे बहुत ही ओल्ड डिलैपिडेटेड एक फैक्ट्री थी जिसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, और उसको हम लोगों ने ज़ीरो इन किया. जो आपने शॉट्स देखे उसमें, जो ये बहुत पुरानी एक वहाँ पे रिडंडेंट फैक्ट्री, बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है, वहाँ पे हम लोगों ने ये शूट किया, और वी गॉट सम अमेजिंग विजुअल्स देयर बिकॉज वो फैक्ट्री इतनी खूबसूरत थी अंदर से. तो यस, वेरी वेरी रॉ, एंड आई थिंक द काइंड ऑफ अपील दैट वी वॉन्टेड टू पोर्ट्रे देयर एंड शो, वो उससे और ज़्यादा इन्हेंस हो गए बिकॉज वो पूरा माफिया सेटअप है, जिस तरह से हम लोगों ने पूरा सेटअप क्रिएट किया है, तो इट जस्ट इन्हेंसेस दैट होल फील. Subscribe and press the bell icon for latest updates.